दोस्तों मैं विकास तोली यूट्यूब पे टेनिस से रिलेटेड पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों जो पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एटीपी रैंकिंग नंबर 3 के खिलाड़ी वर्सेज एटीपी रैंकिंग नंबर 4 के खिलाड़ी, जैनिक सिन्नर वर्सेज डैनियल मेडवेडेव, इटली के प्लेयर वर्सेज रशिया के प्लेयर। दोनों परफॉर्मेंस कमाल की करते हैं, काफी बार उनकी मैचेस हो चुके हैं। अभी तक 10 बार मैचेस हुए हैं जिसमें 6 बार बाजी मारी है मेडवेडेव ने और 4 बार बाजी मारी है सिन्नर ने। शुरू के 6 मैचेस में भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दिखाते थे मेडवेडेव, 1 लव 2 लव 3 लव 4 लव 5 लव 6 लव 6-0 से आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद सिन्नर ने चाइना से शुरुआत की थी, एटीपी टूर फाइनल्स में हराया, उसके बाद बढ़िया प्रदर्शन किया भाई साहब, 2 बार उधर हराया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी रिसेंटली में हराया था और फिलहाल हराया मियामी ओपन के सेमीफाइनल में। अब लगातार 5 मैचेस वो भी जीत चुके हैं। पहले प्लेयर है भाई मेडवेडेव जिन्होंने लगातार 5 मैचेस सिन्नर को हराया है और पहले प्लेयर है सिन्नर जिन्होंने लगातार 5 मैचेस मेडवेडेव को हराया है। क्या आप सिन्नर बदला पूरा कर देंगे 1 मैच और रखे तो बराबर हो जाएगा स्कोर, ये तो मैं फिलहाल बढ़ती बताई रहा। फिलहाल दोस्तों एनालिसिस में बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सकें पोस्ट मैच के रिगार्डिंग। दोस्तों बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। पहले सेट में भाई साहब लग रहा था परफॉर्मेंस क्या कतलेआम परफॉर्मेंस दिया भाई साहब जैनिक सिन्नर ने। शुरू में सर्विस गेम पे होल्ड रखा, सर्विस गेम ब्रेक की, उसके बाद सर्विस गेम ब्रेक बैक का चांस आया था मेडवेडेव के सामने बट सिन्नर ने सर्विस गेम वो होल्ड रखी। उसके बाद फिर से सिन्नर ने सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। मैच के 30 मिनट के अंदर अंदर ही 5-0 से पहले सेट में आगे चले गए। उसके बाद 6-1 से ये पहला सेट जीता। देखा जाए मेडवेडेव ने जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन में पहले 2 सेट में परफॉर्मेंस की थी वैसी परफॉर्मेंस लग रहा था सिन्नर कर रहे थे बट सिन्नर धीरे धीरे वापसी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया ओपन में बट इधर मेडवेडेव धीरे धीरे वापसी नहीं कर पाए जैसे कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। सेकेंड सेट में देखा जाए सेकेंड सेट में भी शुरू में उन्होंने सर्विस गेम ब्रेक की, जैनिक सिन्नर ने 8 बार 2 बार सर्विस गेम ब्रेक की और 6-2 से सेकंड सेट भी जीता। पहले सेट में 6-8 से सेकंड सेट 6-2 से कंप्लीटली डोमिनेटिंग विक्ट्री अगेंस्ट अ वेरी गुड अपोनेंट मेडवेडेव को भाई कुछ करना पड़ेगा, कार्लितोस अल्काराज और जैनिक सिन्नर के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि देखा जाए वो हाल ही में इन दोनों के खिलाफ काफी हार रहे हैं। मेडवेडेव से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लास्ट टाइटल रोम में जीते थे तो क्या लग रहा है रोम में क्ले कोर्ट में जीते होल्डर रूम को हरा के, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन फिनाले में पहुंचे US ओपन फिनाले पहुंचे बट दोनों टाइटल नहीं जीत पाए तो देखा जाए 2 बड़े ग्रैंड स्लैम के फिनाले पहुंचे तो ये भी कम बात नहीं है बट हम चाह रहे हैं कि मेडवेडेव के फैंस चाह रहे होंगे कि भाई एटलीस्ट कोई टाइटल जल्द से जल्द जीते, होपफुली जल्द से जल्द वो टाइटल जीते। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो भाई साहब सिन्नर ने कमाल का प्रदर्शन किया, सिन्नर ने एसेस ज़्यादा लिया एज कम्पेरिजन टू मेडवेडेव और डबल फॉल भी अटेम्प्ट किए, 80 डबल फॉल किया मेडवेडेव ने, 2 डबल फॉल किए। देखा जाए ब्रेक पॉइंट्स काफ़ी बार सर्विस गेम ब्रेक हुई है, पहले सेट में 2 बार सर्विस गेम ब्रेक, सेकंड सेट में 2 बार सर्विस गेम ब्रेक, टोटल 4 बार सर्विस गेम ब्रेक हुई है। दूसरी ओर देखा जाए जैनिक सिन्नर 2 ब्रेक पॉइंट्स आए, दोनों के दोनों सेव किए, वो भी दोनों आए पहले सेट में। दोस्तों फिलहाल सिन्नर का जो मैच होगा वो ज्वेरेव या डिमिट्रोव के खिलाफ होगा और जो जीते हैं वो जीते हैं डिमिट्रोव तो उनके खिलाफ मैच होगा। क्या लगता है कैसा प्रदर्शन करेगा सिन्नर अपना जो मैची रन है 2024 में, फिलहाल एक ही मैच आ रहे हैं 2024 में कार्लितोस अल्काराज से, क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे और सेमी फाइनल का टाइटल जिता पाएंगे। देखा जाए लगातार 3 बार फिनाले पहुंचे हैं, वो तो चलो बाद में एक वीडियो और बना लूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी चलता हूँ मैं दोस्तों।